तो फ्रेंड फाइनली हमारा आधा लेंटर वर्क हो गया है, लगभग फिनिशिंग की ओर चला है कार्य। और ना अभी मौसम कितना मस्त हो चला है, सामने की हरियाली आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ एक और नई फ्रेश और कमाल ब्लॉग में आपका। तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब 7 बजे का, मैं भी अभी उठ रहा हूँ। और जो मौसम हुआ है ना बाहर का, कल रात को भी बारिश हुई है, हल्की सी धूप आ रखी है, घाटियों पे थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ है। एक बार नज़ारे देख लीजिए सुबह सुबह के, किस प्रकार के नज़ारे आ रहे हैं आज। तो फ्रेंड कैसा लगा सुबह सुबह का मौसम, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं, दिन की शुरुआत ही कर लेते हैं, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। फिलहाल तो मैं भी फ्रेश फ्रेश हो गया, हाथ मुँह वगैरह सब धो लिया, अभी दूध पी रहा हूँ। तो इसके बाद मुझे निकलना होगा कचहली मार्केट की तरफ को, और देखते हैं उधर को भी कैसा माहौल बना हुआ है सुबह के समय में, और कैसे व्यूज आ रहे हैं आगे चल के। तो शुरुआत ही कर लेते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग की। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड मैं आ चुका हूँ घर से और जा रहा हूँ कचहली मार्केट की तरफ को। और ना करीब 15 मिनट में पहाड़ों का मौसम चेंज हो गया, ये देखिए नज़ारे। 15 मिनट पहले हल्की सी धूप भी आ रखी थी और थोड़ा खुला खुला सा भी मौसम था, 15 मिनट बाद धीरे धीरे कोहरा आने लगा है पहाड़ियों पर। ये देखिए ऊपर जंगल से भी कोहरा उतरने लगा है, और सामने की तरफ भी पूरा घाटियों में नीचे उतरने लगा है कोहरा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, पल भर में मौसम बदलते रहता है। और ऐसे ही मौसम और हमारी डेली जो दिनचर्या होती है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए ब्लॉग लाते रहता हूँ इस चैनल पे। सिंपल ब्लॉग होते हैं, जो है जैसा है वैसा ही है, ना कोई ज़्यादा दिखावा ना कुछ, जो सिंपल ब्लॉग हैं वो आपके लिए लाते रहता हूँ। अगर आपको भी पसंद आते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करिए, मोटिवेट करिए, ताकि आपके लिए और आगे बेहतरीन काम करते रहें। तो फिलहाल मैं पहुंचता हूं रोड पे, फिर आपसे आगे बातें करूंगा। और कल रात भी ना करीब 3-4 घंटे अच्छी खासी बारिश हुई है, आप देखिए कितनी नमी है घास में अभी भी। तो फाइनली दोस्तों कचहली मार्केट पे पहुंच चुका हूं, अभी मेन रोड पे हूं अपनी। और साथ ही सुबह सुबह आप मुक्तेश्वर घाटी की तरफ का मौसम भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो फाइनली सीन अभी ऐसा है दोस्तों, कचहली मार्केट से मैं आ गया हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी घर जाता हूँ फिर रेडी होके आता हूँ, हमें निकलना है सरना के लिए। यहाँ से देखिए जो लास्ट एरिया देख रहे हैं ना, जहाँ ऊंचाइयों पे बादल आपको देख रहे होंगे होगा, तो यहाँ पे है सरना। तो यहीं के लिए निकलना है, भाई का अभी कॉल आया, तो इसीलिए ना मार्केट से मैं भी जल्दी जल्दी आ गया हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ तैयार होकर फिर से वापस आता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड मैं भी रेडी होकर घर से आ गया हूँ, और भाई लोग तो कचहली में वेट ही कर रहे हैं। तो चलता हूँ फटाफट कचहली मार्केट में, फिर निकलते हैं वहाँ से सरना के लिए। तो फाइनली फ्रेंड कचहली से हम निकल चुके हैं, अभी हैं भालूगढ़ वाटरफॉल रोड पे, और सीधे चल रहे हैं हम यहाँ से सरना के लिए। चलते चलते हम पहुँचे हैं अभी पोखरा रिवर के पास में, और यहीं से हमारे यहाँ जो पिकअप आ रही है उसमें भी पानी भरा जा रहा है, जो सरना पानी लेके आएगी। और यहाँ पर मस्त एक तालाब सा बना दिया है, पहले कुछ अलग था अब देखे नज़ारा। हमारी गाड़ी नीचे रही, बस निकलते हैं यहाँ से, हमारे पीछे पीछे पिकअप भी आई जाएगी, उसमें भी पानी भरने ही वाला है। बाकी ये तालाब काफ़ी मस्त बना दिया है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम सरना पे पहुँचने वाले हैं, अभी सरना वाली जहाँ पे हमारी साइट है तो उसी रास्ते पे हम हैं। और रास्तों की हालत देखिए, थोड़े पत्थर वत्थर पर गिर रहे हैं, और मौसम देखिए इस तरफ को कैसा मौसम हो रहा है। तो पहुँचते हैं साइट पर, फिर वहीं चल के आपसे बातें करता हूँ। फाइनली फ्रेंड सरना के हिल टॉप में हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आज है लेंटर की तैयारी। हरीश भैया भी पहुँचे हैं यहाँ सुबह सुबह हल्द्वानी से। क्यों भैया कितने बजे पहुँच गए थे? 7:30 बजे भैया पहुँच गए हैं यहाँ पे। सामने डंपर देख रहे हैं, सीमेंट लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारी सेटिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, बस लेंटर डलने वाले जो वर्कर हैं वो पहुँच जाते हैं, उसके बाद लेंटर की तैयारी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से नज़ारे देखिए, व्यूज देखिए, कैसा मौसम बना हुआ है यहाँ से जो देखने में आ रहा है। अभी सामने की तरफ हमारा घर है, यहाँ से जो व्यू आ रहा है अभी उस तरफ का, सेम व्यू अगर हम उस तरफ जाएं सामने हमारा घर है
वहाँ से इधर का व्यू ऐसा ही देखने को मिलता है, पूरी वादियों में एकदम कोहरा देखने को मिलता है। यहाँ से भी हमारे उधर को ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही होगी और भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो पहुँच तो गए हम, समय हो रहा है करीब 9:30 बजे का, सब लोग अपनी तैयारी पर जुटे हुए हैं, गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी हमारा लेंटर डल जाता है और मौसम हम लोगों का कैसा साथ देता है। बस सब मौसम की मेहरबानी है, अगर मौसम अच्छा रहा तो सभी काम अच्छे से हो जाएंगे, जल्द से जल्द कार्य पूरा हो जाए। देखते हैं समय कितना लगता है। अभी पिकअप भी नहीं पहुंची है, जो मैंने आपको आगे दिखाई पोखरा रिवर पे, वो भी पानी लेके यहाँ पे पहुंचने वाली है। तो तैयारियां तो हमारी लगभग हो ही चुकी हैं, अब देखते हैं कार्य कब से शुभारंभ होता है। तो फाइनली फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब 10 बजे का और फाइनली हमारे वर्कर भी आ चुके हैं लेंटर वाले हल्द्वानी से, साथ में मिक्सर मशीन भी ले आए हैं। तो हम मिक्सर मशीन एडजस्ट कर रहे हैं, मसाला बनाया जाएगा, फिर जो हमारा ये लेंटर है ये डाला जाएगा। करीब 900 स्क्वायर फीट का लेंटर है, पूरी तैयारी कर ली है, जाल उस पर बिछा दिया है, साथ में बिजली के पाइप भी बिछा दिए हैं। तो अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी है, बस ये लोग भी पहुँच गए हैं, अब जितनी जल्दी हो सके तैयारी शुरू करते हैं लेंटर की, क्योंकि मौसम भी देखिए आप कैसा मौसम हुआ है, बारिश ने अभी तक तो बहुत बढ़िया साथ दे रखा है। अगर अच्छा साथ दे बारिश तो हमारा लेंटर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लेंटर वर्क तो शुरू हो गया है और मसाला डलने लगा है, मसाला यहाँ पर रोड पे बनाया जा रहा है और यहाँ से फिर लेंटर पे ले जाया जा रहा है। देखते हैं कैसा रहता है मौसम, कैसा हमारा साथ देता है। फ्रेंड फाइनली सीन अभी ऐसा है, बारिश लग गई है, हम तो आ गए हैं सेटरिंग के नीचे जहाँ पर सेटरिंग पड़ी हुई है, बारिश काफ़ी तेज़ लग गई है, अचानक मौसम ख़राब हो गया है और ख़तरनाक बारिश लगी है, जिस कारण लेंटर वर्क थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। तो मैं भी आ गया सेटरिंग जो लेंटर डला था उसके नीचे और साथ में हीरा भाई जो हमारे सेटरिंग वर्कर हैं। लेंटर ठीक ठाक से पड़ जाएगा, बारिश कैसी रहेगी क्या रहेगा? देखो अगर मौसम अगर ठीक ठाक रह गया तो पड़ जाएगा टाइम पर, अगर मौसम नहीं ऐसे गया तो वही बदने बस बारह तो बारिश ने खेल बिगाड़ दिया थोड़ा सा हमारा। अब देखते हैं मौसम कैसा रहता है, भीग की भी हालत ख़राब हो गई है। फ्रेंड फाइनली मौसम तो अभी ऐसा ही बना हुआ है, बारिश ही हो रही है लगातार और यहाँ पे जाड़ा काफ़ी हो रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे है ये क्षेत्र। हम लोग ना नीचे आग जला रहे हैं ताकि बारिश में भीग भी बहुत गए हैं, जाड़ा भी हो रहा है, थोड़ी बहुत राहत मिल जाए हम लोग को। मौसम देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम घना कोहरा छाया हुआ है घाटियों में और सरना काफ़ी ऊँचाई पर है, जिस वजह से यहाँ पर ठंडा बहुत हो रहा है और भीग भी बहुत गया था। फ्रेंड तो आग वाग जला रहे हैं, मस्त आग वाग सेकते हैं, फिर देखते हैं मौसम कैसा बना रहता है। तो मस्त आग जला दी हमने यहाँ पे, डीजल से जला रहे हैं आग भी, लकड़ियाँ भी इतनी गीली हुई हैं। तो फ्रेंड एक बार फिर से हमारा लेंटर वर्क स्टार्ट हो गया है बारिश के बाद और मौसम देख रहे हैं बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है, अगर थोड़ा भी मौसम साथ दे दें तो हमारा लेंटर वर्क हो जाएगा। एक चुनौती सी आ गई है हमारे सामने में, अब देखते हैं कैसा रहता है माहौल, क्योंकि आप देखिए पूरी वादियों में कोहरा ही कोहरा है और रुक रुक के बारिश हो जा रही है। अब देखते हैं इस चुनौती से कैसे निपटते हैं हम लोग। फाइनली फ्रेंड करीब 4 बजे का अभी समय हो रहा है और फाइनली बारिश अभी बंद हो चुकी है, हमारा लेंटर वर्क फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी तक तो बारिश ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया था, लगातार बारिश अभी भी आप देखिए, मैं अभी आपको व्यू भी दिखाऊंगा और लेंटर वर्क भी दिखाता हूँ। लेंटर वर्क शुरू हो चुका है और व्यू भी दिखाऊंगा, अभी भी पहाड़ियों में पूरा घना कोहरा छाया हुआ है लेकिन मौसम बढ़िया साथ दे रहा है। तो फ्रेंड देखिए किस प्रकार से हमारा लेंटर वर्क यहाँ पर हो रहा है और कैसे मौसम में यहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और कार्य से रिलेटिव आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको चाहे काम करवाना हो या कोई भी क्वेरी है आप कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं कितना समय लगता है इस लेंटर वर्क में, अभी तो फिलहाल मौसम बढ़िया साथ दे रहा है हम लोगों का। तो फ्रेंड लेंटर में छोटा सा ब्रेक, अभी सब लोग बिस्किट वगैरह खा रहे हैं और मौसम देख रहे हैं कितना मस्त हो चला है, आगे से ही अगर ऐसा मौसम होता तो अभी तक तो हमारा लेंटर फाइनल हो जाता और हम घर को चल दिए होते, लेकिन अभी 5 बज रहे हैं, देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, सामने फॉरेस्ट में कितना बढ़िया लग रहा है कोहरा अभी। मुझे तो ये नज़ारे काफ़ी पसंद आ गए हैं, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है ना कोहरा अभी घाटियों पे। तो फ्रेंड फाइनली हमारा आधा लेंटर वर्क हो गया है, लगभग फिनिशिंग की ओर चला है कार्य,
और ना अभी मौसम कितना मस्त हो चला है, सामने की हरियाली आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। और आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से जो सुबह के समय में देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी देखिए व्यूज। हाय नहीं फ्रेंड, हमारा लेंटर कंप्लीट होने वाला है, बस एक दो कट्टों का रह गया है। और शाम के नज़ारे देखिए, सनसेट भी हो चुका है और धीरे धीरे वादियों में फिर से कोहरा आने लगा है। ये देखिए फ्रेंड क्या नज़ारे आ रहे हैं शाम के। और दूर हमारा मुक्तेश्वर एरिया, हमारी कसैलिक एरिया, और उसके ऊपर हल्की हल्की हिमालय की चोटियाँ भी दिखने लगी हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमारा लेंटर वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चला है, वाइब्रेटर लगना है, बस मसाला मिक्स करना है। ये देखिए फाइनली हो गया है। एक तरह से देखा जाए शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा मौसम ने हमें चुनौती दे दी, लेकिन दिन में मौसम ने बढ़िया साथ दिया तो लेंटर कार्य हो गया है। और फाइनली अब यहाँ से निकलने का समय भी हो चला है। और कार्य कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फाइनली फ्रेंड यहाँ से अब निकलने का समय हो चला है, और समय हो रहा है अभी आप देख सकते हैं 7:38। बारिश ने पूरा दिन लगा दिया हमारा। अगर बारिश नहीं आई रहती तो अभी तक तो हमारा लेंटर फाइनल हो जाता और हम अपने घर पे होते। तो चलो फाइनली काम तो हुआ, अब निकलते हैं सीधे घर को। तो फाइनली फ्रेंड रात के करीब 9 बज रहे हैं और हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और शाम के नज़ारे कुछ ऐसे आ रहे हैं घर से। अभी तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं है घाटियों में, दिन भर में तो बहुत कोहरा था। तो इसी खूबसूरत शाम के साथ ही आपसे लेते हैं ब्लॉग में विदा। आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।